कभी कभी हमारे जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, हमें लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है, ये व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमारे बीमारी आ गई है, पैसा लूट गया है, बहुत कुछ सोचते हैं। तो रहीम कहते हैं कि को का करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो तीन उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। तो क्या कहते हैं रहीमन, को का करे जुआरी चोर लमार। जुआरी मतलब जो जुआ खेलते हैं, चोर मतलब आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, और लबार मतलब लपट व्यक्ति जो स्त्रियों के पीछे पागल रहता। तीन उदाहरण होते, तो ये तीनों उदाहरण शास्त्र में है। सबसे पहला है जुआरी। कौन थे जुआरी? शकुनी मामा, जुआ जुआ खेला ना उन्होंने। तो पहला उदाहरण है जुआरी शकुनी का। प्रयास किया पांडवों को राज्य से बाहर रखने का, लेकिन उसके सारे प्रयास, जुए में हराया, उनका राज्य छीना, सब किया, लेकिन अंत में क्या हुआ, शकुनी नहीं रहा, पांडव रहे और उनको राज्य भी प्राप्त। चोर कौन है? जुआरी को शकुनी हो गया, चोर किसी को ऐसे याद आते हैं? उदाहरण ऐनंदर है कल्ला, कल्ला ना उदाहरण यार का मैंने पढ़ते हैं। किसने चोरी की शास्त्र में? शास्त्र पढ़कर यार कल्ला रावण ने की, और किसी ने बड़ी चोरी की हो, रावण ने छोटी सी की, एक ही को उठा के ले गया। माखन चोर, वो तो खुद ही है, अपना नाम है। वाल्मीकि ने कौन सी चोरी की? अच्छा वो डाकू थे रत्नाकर, अब जो बार बार कहते उन्होंने की। और सबसे बड़े चोर ब्रह्मा जी, सारे ग्वाल बालों को उठाकर ले गए थे, चोरी किया कि नहीं किया? हाँ, तो ये दूसरे चोर का नाम है, जोर से बोलिए, धीरे बोलिए, सुन लेंगे ऊपर बैठे क्या होगा आप लोगों का। चोर कह रहे हो ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने चोरी की, कृष्ण के सारे बछड़ों को उठाकर ले गए, ग्वाल बालों को उठाकर ले गए, लेकिन क्या कर लिया उन्होंने, वो जब वापस आए तो क्या देखा, ग्वाल बाल भी वैसे हैं, बछड़े भी वैसे हैं, तो एक बछड़ों को वो वहां रखकर आए थे और यहाँ भी देखा तो यहाँ भी ऐसे ही, आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी के चार सर हैं, आठ आंखें हैं, आठों की आठों आंखें घूमने लग गई, सर चकराने लग गए, चारों हुआ क्या, तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाए चोरी के। तो एक हो गया, पहला कौन था? शकुनी, जुआरी शकुनी। दूसरे चोर कौन है? चोर आप लोग बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे। और तीसरे लंपट व्यक्ति लबा, वो कौन था? अजामिल, दुर्योधन, रावण और द्विविध, और सारे एक्सपर्ट, सारे असुरों के नाम याद है, रावण, दुशासन, वेरी नाइस, किसने कहा, थैंक यू, दुशासन, क्योंकि उसने सबके सामने एक स्त्री का अपमान करने का प्रयास किया, वो लंपट व्यक्ति, दुशासन कर लिया, साड़ी खींच रहा था, बहुत शक्तिशाली था दुर्योधन, और अपनी शक्ति किस पर दिखा रहा था, एक स्त्री की साड़ी खींचने में, कौन सी शक्ति है किसी व्यक्ति का, तो साड़ी खींच रहा था, और साड़ी इतनी लंबी हो गई, श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की वो साड़ी खींचता रहा, खींच के थक गया, पसीने आ गए, सारी शक्ति खत्म हो गई, लेकिन साड़ी खत्म नहीं। तो इसलिए रहीम कहते हैं, रहीम को का करे जुआरी चोर लवा। तो क्यों कुछ नहीं कर पाए लोग, ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए, दुशासन कुछ नहीं कर पाया, शकुनी सारी शक्ति लगाकर क्यों नहीं कर पाए, कि लाइन में बताते हैं, जो बतरा खनहार है, माखन चाखनहार, क्योंकि रक्षा करने वाले कौन है, सबसे बड़े चोर, माखन चाखनहार, जो माखन चुराते हैं या माखन का आस्वादन लेते हैं श्री कृष्ण, वो जब रक्षा करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। वृंदावन,
जहां हर व्यक्ति ये जानता है कि जब तक श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं कोई कुछ नहीं कर सकता।